आज हम साबूदाने की ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिसे आप एक बार बनाकर साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हो और आपका जब मन हो तब आप ये फ्राई करके फास्ट में या चाय के टाइम पे खा सकते हो। और हाँ, ये आपको जिस फ्लेवर में भी खाना हो, तीखा, मीठा, खट्टा या फिर चटपटा, आप किसी भी फ्लेवर में इसे बना सकते हो। और इसे बनाने के लिए आपको घंटों तक धूप में बैठने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ 10 मिनट में बनके तैयार भी हो जाता है और ना ही इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा सामग्री की भी ज़रूरत होती है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले हम साबूदाना भिगोएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पतीला लिया है, उसमें मैं एक कटोरी साबूदाना लूँगी। मैंने यहाँ पे इस कटोरी से साबूदाना लिया है। आप यहाँ पे आपके घर में आपको जिस चीज़ से भी साबूदाना लेना है उस चीज़ से कटोरी, ग्लास या फिर कप से भी ले सकते हो। अब ये साबूदाना मैं पानी से 2 से 3 बार अच्छे से धो लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 बार साबूदाना पानी से अच्छे से धो लिया है। अब साबूदाना भिगोने के लिए इसमें पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस कटोरी से एक कटोरी साबूदाना लिया था, उसी कटोरी से इसमें एक कटोरी में पानी डालूंगी। अब इस पे ढक्कन रख के ये साबूदाना हम पूरी रात भिगने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरी रात साबूदाना भिगो के लिया है और आप यहाँ पे देख सकते हो ये अच्छे से भीग भी चुका है। अब हम इसे साइड में रख के आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टीमर का ऊपर वाला बर्तन लिया है और स्टीमर के नीचे वाले बर्तन में मैंने पहले ही गैस पे 2 ग्लास पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इस स्टीमर के ऊपर वाले बर्तन में हम इस तरह से तेल लगा लेंगे। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप यहाँ पे छलनी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से स्टीमर के ऊपर वाले बर्तन में अच्छे से तेल लगा लिया है। अब हम इसमें जो साबूदाना सोख करके रखा था वो डालेंगे। तो ये साबूदाना इस तरह से पूरा इसमें डालना है और फैला लेना है। अब ये साबूदाना हम स्टीम करने के लिए रख देंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टीमर के नीचे वाले बर्तन में मैंने पहले ही 2 ग्लास पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हम उसके ऊपर ये साबूदाने का बर्तन रखेंगे और इस पर ढक्कन रख के ये हमें सिर्फ मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप कढ़ाई में या फिर पतीले में पानी रख के उसके ऊपर छलनी रख के ये स्टीम कर सकते हो। तो यहाँ पे 5 मिनट तक साबूदाना मैंने स्टीम कर लिया है और आप यहाँ पे देख सकते हो साबूदाने का कलर पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब गैस बंद करेंगे और ये साबूदाना थोड़ा ठंडा होने देंगे। साबूदाना थोड़ा ठंडा होने के बाद मैंने यहाँ पर एक बर्तन में ठंडा पानी लिया है। अब हम इसमें ये स्टीम किया हुआ साबूदाना डालेंगे। स्टीम किया हुआ साबूदाना इस तरह से ठंडे पानी में डालने से वो पूरा अलग अलग हो जाता है, चिपका नहीं रहता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साबूदाना पूरा अलग अलग हो चुका है। अब हम इसे छलनी से छान के पानी से अलग कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साबूदाना मैंने पानी से अलग कर लिया है। अब इसे हम ऐसे ही छलनी में रख देंगे और इस तरह से 2 बड़े प्लेट लेंगे। अब इस प्लेट में हम तेल लगा लेंगे ताकि साबूदाना इसमें डालने के बाद वो नीचे चिपक के ना रहे। तो यहाँ पे मैंने दोनों प्लेट्स में तेल लगा लिया है। अब जो साबूदाना पानी से निकाल के छान के अलग करके रखा था वो इस तरह से इस प्लेट में फैला लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ये साबूदाना हमें प्लेट्स में फैला लेना है। अगर आपके पास प्लेट्स छोटी है तो आप यहाँ पे 2 से 3 प्लेट का इस्तेमाल भी कर सकते हो और अगर आपके पास प्लास्टिक की पॉलीथीन होगी तो आप उस पर भी नीचे तेल लगा के इस तरह से साबूदाना फैला के सुखा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दोनों प्लेट्स में साबूदाना इस तरह से फैला लिया है। अब इसे मैं 3 दिन के लिए धूप में सुखा लूँगी। तो मैंने यहाँ पर साबूदाना धूप में सुखाने के लिए रख दिया है। मुझे ये साबूदाना सूखने के लिए पूरे 3 दिन लगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 दिन के बाद साबूदाना अच्छे से सूख चुका है। अब मैं इसे फ्राई करके दिखाती हूँ। तो ये फ्राई करने के लिए मैंने गैस पे पहले ही तेल गरम करने के लिए रख दिया था और ये तेल अच्छे से गरम भी हो चुका है। अब जो साबूदाना सुखा के लिया था वो तेल में डाल के ये फ्राई कर लेंगे और ये साबूदाना तेल में डालने के बाद आप देख सकते हो ये कितना अच्छे तरह से फूल चुका है। और इसे आपको तेल में सिर्फ 1.5 से 1 मिनट तक ही फ्राई करना है और हम इसे अभी तुरंत एक प्लेट में निकाल लेंगे।
यहाँ पे तेल गरम होने के बाद ये मैंने मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है। अगर आपका तेल कम गरम हो तो आप इसे हाई फ्लेम पे भी फ्राई कर सकते हो। तो आप यहाँ पे ये इस तरह से फ्राई करके आपको जिस फ्लेवर में पसंद हो उस फ्लेवर में आप इसे बाद में बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये साबूदाना फ्राई कर लिया है, अब मैं इस पे तड़का लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने पैन गरम करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें एक बड़ा चम्मच तेल डालूंगी। तो मैं ये साबूदाने का चिवड़ा तीखे फ्लेवर में बना रही हूँ। तो उसके लिए अब मैं इसमें तेल गरम होने के बाद एक छोटी कटोरी मूँगफली डालूंगी। ये मूँगफली अच्छे से तेल में फ्राई करनी है। मूँगफली फ्राई होने के बाद अब मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्च ऐसे बड़े टुकड़ों में कट कर ली है। अब हरी मिर्च डाल के इसे भून लेंगे। तो ये हमारा तड़का तैयार हो चुका है। अब हम इसे जो हमने साबूदाना फ्राई करके लिया था उसमें डालेंगे। तो यहाँ पे आपको ये तेल के साथ नहीं डालना है, तेल में से निकाल के आपको इसे इस तरह से इसमें डालना है। अगर ये आप चाय के साथ खाने के लिए बनाने वाले हो तो आप इसमें जीरा, सरसों और करी पत्ता भी डाल सकते हो। उसी तरह अगर आप फास्ट में धनिया खाते हो तो आप इसमें धनिया भी डाल सकते हो। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल के इस तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें अलग अलग तरह के मसाले भी डाल सकते हो, जैसे आमचूर पाउडर, चाट मसाला या फिर लाल मिर्ची पाउडर। तो मुझे यहाँ पे तीखा पसंद है तो इसमें मैं थोड़ी लाल मिर्ची पाउडर भी डालूंगी। लाल मिर्ची पाउडर डालने के बाद अब फिर से एक बार ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा फास्ट या चाय के टाइम पे खाने वाला चिवड़ा बनके तैयार है। तो इस तरह से आप साबूदाना बना के साल भर के लिए स्टोर करके रख के जब आपका मन चाहे तब आप नए नए फ्लेवर में बना के खा सकते हो। अगर आपको आज की रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर रेसिपी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।